लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर मझौलिया से, जहां प्रखंड क्षेत्र के सरिसवा पंचायत के 11 वार्ड सदस्यों व ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के कार्यालय में दिया तथा पंचायत भवन पर रोष व्यक्त करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में उप मुखिया सबनम खातून, वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य जुमन अंसारी, वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य श्वेता देवी, वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य गुड़िया देवी, वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य शर्मा कुमार, वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य गुड़िया देवी, वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य गणेश शाह, वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य रंजीत कुमार, वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य नजमा खातून तथा मीना देवी, वार्ड सदस्य मीना देवी के सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा आवेदन पर अपना अपना हस्ताक्षर व मुहर लगाकर सत्य करार किया है। आवेदक ने आवेदन में लिखा है कि पंचायत के मुखिया सोहन साध के द्वारा पंचायत विकास कार्यों में दलालों को रखकर जबरदस्ती से दबंगता के बल पर पंचायत के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। मझौलिया से मनीष कुमार, इस समय मैं सरिसवा पंचायत के सरिसवा पंचायत भवन पर आया हूँ। पिछले दिनों यहाँ के वार्ड सदस्यों द्वारा जिला अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र दी गई है, जिसमें मुखिया पर आरोप लगाई गई है कि विकास कार्य में वार्ड सदस्यों की अवहेलना करते हुए वो अपने बिचौलियों के माध्यम से यहाँ पर विकास कार्य करा रहे हैं, जो दबंगई पूर्वक कार्य करा रहे हैं। इसी संबंध में ये वार्ड सदस्यों ने आवेदन दिया है जिलाधिकारी को और गुहार लगाई है कि इसकी जाँच किया जाए और कानूनी संबद्ध जो कार्रवाई हो सो किया जाए। इस समय यहाँ पर वार्ड सदस्य, क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम शर्मा कुमार हुआ। हाँ, कैसा आवेदन आप दिए हैं आप लोग? कि हम लोग मुखिया के विरुद्ध आवेदन दिए हैं उनके ऊपर, जैसे कि वार्ड में जितने भी कार्यकारिणी योजना चल रहा है उसमें वार्ड सदस्य किसी को मना आम सभा में बैठना उसमें बैठाया नहीं जाता है। और मैंने ग्राम सभा जो आम सभा की जाती है, कार्य योजना बनाई जाती है, उसमें वार्ड सदस्य की अहमियत नहीं होती है, कोई अहमियत नहीं है। मुखिया जी कहते हैं जो हम अकेले करेंगे और कोई भी योजना जो चल रहा है पंचायत में वो अपने माध्यम से बोल रहे हैं कि इसमें केवल मेरा जिला अधिकारी को आवेदन दिया गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया। उसके अलावा पंचायत में बहाली भी चल रहा है, ऊपर पर्यवेक्षक वगैरह चल रहा है, उसमें मुखिया जी कह रहा है अकेले इसमें चयनित करेंगे, इसमें कोई वार्ड सदस्य का भूमिका नहीं। पर्यवेक्षक का बहाली भी वार्ड सदस्यों से बिना सहमति के कर दिया गया कर दिया गया कर दिया गया विधान सभा के विधान सभा कर दिया गया है। और जो रेशन का खाना पूर्ति है वो घर घर भेज के किया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसा सिग्नेचर है जिसका बाहर भी आदमी है उसका साइन यहाँ पर कर दिया गया। तो हम लोग जिलाधिकारी से यही विनम्र करते हैं कि इसका अपने स्तर से जांच कराया जाए और इसकी जांच से पुष्टि कराया जाए कि कौन दोषी है। और वार्ड सदस्य आपका क्या? मैं सरिसवा पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 6 के से बोल रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जुमन अंसारी। जो मेरे मुखिया जी हैं सोहन साह जी, वार्डों को मगर जो योजना आ रहा है वार्डों को जानकारी न देकर दलालों को दे रहे हैं, बोल रहे हैं वार्ड कोई वैल्यू नहीं है, वार्ड मिस कुछ नहीं। कुछ आप लोग को मैंने कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही? नहीं, जानकारी नहीं दी जा रही। जो कार्य मैंने जो कार्य अवधि बनाई जाती है पंचायतों का विकास उसका बैठक नहीं ली जाती है? अच्छा, जो ये पंचायत भवन है इससे पंचायत भवन में पूरा गंदगी बिखेरा हुआ है, यहाँ पर कभी कभी मैंने साफ सुथरा नहीं होता है। इस पर मुखिया जी कोई चर्चा नहीं है, मुखिया जी सिर्फ काम चाहिए, चार आगे चार साल में जितना पंचायत में पैसा कमा ले जितना कमा ले, इसके पहले हम पैसा नहीं कमाए, आपके पास जितना कमा ले बाकी जिससे हमको मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं है। अभी आपके सामने देख लीजिए, अभी आपके सामने अपना मैं 7 नंबर वार्ड का भाई हूँ, मेरे को प्रभार सा मारा गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। इन लोगों का कहना है कि जो यह पंचायत भवन है, यह पंचायत भवन केवल राष्ट्रीय पर्व पर ही यह खुलता है और यह पूरा सफाई होता है, अदर इधर कोई भी कार्य अवधि हो कोई यहाँ पर कार्य नहीं होती, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है गंदगी पूरा फैली हुई है। कैमरा मैन थोड़ा इसको दिखाया जाए, पूरा गंदगी फैली हुई है, कभी नहीं यह सफाई की जाती है। मैं R9 भारत समझाता हूँ मझौलिया। आपके यहाँ जो वार्ड सदस्यों द्वारा 11 वार्ड सदस्यों द्वारा DM को जो आवेदन दी गई है, आप पर आरोप लगाई गई है कि आप सरकारी राशि जो कार्य करा रहे हैं विकास कार्य उसमें दबंगई दिखा रहे हैं और दबंगों के साथ मिल करके कार्य करा रहे हैं, ये गुणवत्ता पूर्वक नहीं है। इसी को लेकर के वार्ड सदस्य पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया, इस संबंध में आप क्या कहिएगा? ऐसा कोई बात नहीं है, दबंगई नहीं दिखाते हैं हम, हम जो काम कराते हैं अच्छा कराते हैं। इसका पहले भी मुखिया रहे हैं, आज भी मुखिया हैं
और दमगई दिखाते थे, आज मुखिया में नहीं रहते। ये सब गाँव ही राजनीति है और वार्ड लोग हमारा पर आरोप लगा रहा है कि जितना काम है वो हमको दीजिए, हम काम नहीं दे रहे। वो लोग आरोप लगा रहा है कि ऐसा मुखिया जी दबंगई कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका परिचय? सोहन सा मुखिया, सरिसवा पंचायत।